नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटो से नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं चेन्नई एयरपोर्ट से, जहां पर दोस्तों चेन्नई एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 पर हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ट्रायल रन स्टार्ट कर दिए गए हैं। और एक बार जब ये ट्रायल रन कम्प्लीट हो जाएंगे तो टर्मिनल 4 फ्लाइट ऑपरेशन को भी हैंडल कर पाएगा। दोस्तों चेन्नई एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 को स्पेसिफिकली हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा रेनोवेट किया जा रहा है, ताकि बड़े स्केल पर डोमेस्टिक फ्लाइट्स को हैंडल कर सके। अभी एयर इंडिया की ट्रायल फ्लाइट यहाँ पर ऑपरेट की गई है, जो कि पोर्ट ब्लेयर से आ रही थी। यहाँ पर लैंड करने के बाद उसने सक्सेसफुली बेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए टेक ऑफ भी किया है। ओवरऑल इस एयरपोर्ट की पूरी पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी को इन्हांस करने के लिए 1260 करोड़ रुपीज़ हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर स्पेंड किए जा रहे हैं। अभी उसी के अंतर्गत कुछ महीने पहले मौसमी अप्रैल के आसपास हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक नया टर्मिनल भी यहाँ पर ओपन किया गया था, और उसी फंडिंग के अंतर्गत जो टर्मिनल 4 है उसको भी और बड़ा बनाया जा रहा है। और ओवरऑल जब ये सभी चीज़ें कम्प्लीट हो जाएंगी तो चेन्नई एयरपोर्ट की पर ईयर पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी 23 मिलियन पैसेंजर से इंक्रीज होकर 30 मिलियन पैसेंजर्स पर पहुंच जाएगी। और क्योंकि एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट के ट्रायल होते हैं वो एक दो दिन तक ही लिए जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर ये एयरपोर्ट या फिर ये टर्मिनल आपको स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट से, जहाँ पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा अक्टूबर महीने का भी जो एक्सपोर्ट डेटा वो हमारे सामने रख दिया गया है। और उस डेटा के अकॉर्डिंग मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स 8 महीने के डिक्लाइन के बाद दोबारा से राइज होते हुए देखने को मिले हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लोबल रिसेशन का सीधा इंपैक्ट हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर पड़ रहा है, लेकिन अक्टूबर में ईयर ईयर बेसिस पर इसमें 6.21% का इंक्रीज देखने को मिला है, क्योंकि अक्टूबर में हमारे मर्चेंट एक्सपोर्ट्स 33.57 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि लास्ट ईयर सेम पीरियड में 31.6 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड किए गए थे। और क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं तो सिमिलरली हमारे इंपोर्ट्स भी बढ़े हैं, उनमें भी ईयर ईयर बेसिस पर 11% के आसपास स्पाइक देखने को मिला है। 65.03 बिलियन डॉलर के इंपोर्ट अभी अक्टूबर में रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि लास्ट ईयर सेम पीरियड में 57.91 बिलियन डॉलर के थे। और इसके कारण अक्टूबर का जो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट है वो अपने आप में रिकॉर्ड 31.46 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है, जो कि आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा है। बात करिए सर्विस एक्सपोर्ट के बारे में तो ये अभी अच्छे खास स्केल पर चल रहे हैं। अक्टूबर के सर्विस एक्सपोर्ट्स 28.7 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड किए गए हैं, जो सेप्टेम्बर के कंपेरिजन में तो थोड़ा सा कम है, लेकिन मोस्टली आगे चलकर पूरे साल ही अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। अगले दो सब डेटिंग कर आई है इंडियन प्रसिजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एकस से, जिनको यूरोपियन एयरोस्पेस जायंट एयरबस के द्वारा उनके कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर सेलेक्ट कर लिया गया है। और अभी एयरबस के जो भारतीय पार्टनर्स हैं उनकी लिस्ट में एक और इंडियन कंपनी ऐड हो गई है। दोस्तों एयरबस भारत को उनकी सप्लाई चेन का लगातार एक इंपोर्टेंट पार्ट बनाने में लगा हुआ है। अभी ऑलरेडी टाटा इनके लिए कुछ कंप्यूटर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। आज से कुछ दिन पहले हमारे देश की 3 बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ में इन्होंने एमओयू साइन किए थे कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, और अभी उसमें एक और कंपनी को उन्होंने ऐड कर दिया है एकस को। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत एयरबस के जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं, जैसे कि A320 फैमिली के एयरक्राफ्ट, A330neo, A350, इनके लिए डिटेल पार्ट्स, विंग्स, फ्यूसलेज और पायलट से रिलेटेड जो पार्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग एकस के द्वारा की जाएगी। 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो आगे चलकर हमारे मेक इनिशिएटिव पर बड़े स्केल पर कंट्रीब्यूट कर पाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है ऑयल एंड गैस कंपनी ONGC से, जिनके द्वारा प्लानिंग की जा रही है कि वो देश में 2 और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को सेटअप करेंगे। और क्योंकि ये बड़े स्केल के होंगे तो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के ऊपर 1,00,000 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा की जानी है। दोस्तों ONGC बाय फार हमारे देश की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी मानी जाती है। देश में जो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन होती है उसमें 70% हिस्सा इन्हीं का ही है। और अभी स्पेसिफिकली जो हाई वैल्यू केमिकल प्रोडक्ट्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर या फिर प्रोडक्शन को लेकर इनके द्वारा ये 2 नए पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स सेटअप की जाएंगी। इनमें से एक तो ONGC के द्वारा खुद सेटअप किया जाएगा, जबकि दूसरा वो किसी कंपनी के साथ में जॉइंट वेंचर फॉर्म करके सेटअप करेंगे। दोनों को मिलाकर कंबाइंड कैपेसिटी 8.5 से 9 मिलियन मेट्रिक टन के बीच होगी। और अभी लोकेशन या फिर प्रॉपर जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में कोई डिटेल सामने नहीं रखी गई है, क्योंकि अभी इसकी प्लानिंग की जा रही है। जैसे ही इनका प्लान बनकर तैयार होता है उसको वे जल्दी पब्लिक करेंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आई है गुजरात से, जहां पर दोस्तों गुजरात के ट्राइबल डोमिनेटेड विलेजेस में डेवलपमेंट को लेकर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 571 करोड़ रुपीज़ के ओवर फंड्स एलोकेट कर दिए गए हैं। और इसके लिए गुजरात के ट्राइबल विलेज, जहां पर डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता है, वहां पर भी अच्छे खासे स्केल में डेवलपमेंट हो पाएगा। दोस्तों ये फंडिंग आदि आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत अप्रूव की गई है, जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग है। इस फंडिंग के चलते गुजरात के ट्राइबल डोमिनेटेड 2,803 विलेज को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कवर किया जाएगा। बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बेहतर स्कूल एंड एजुकेशन, इस तरह की जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सब यहाँ पर बनाई जाएंगी। इनफैक्ट दाहोद, वलसाड, बनसकांथा, नवसारी, इस तरह के डिस्ट्रिक्ट में गुजरात गवर्नमेंट उनकी तरफ से भी मेडिकल कॉलेज को बनाने जा रही है, जिनको उन्होंने ऑलरेडी अप्रूवल दे दी है। देखते हैं कि अभी जो फंड्स इनके लिए एलोकेट किए गए हैं कैसे उनको यूटिलाइज किया जाता है। अगली दो सब डेटिंग लगा रही है उड़ीसा गवर्नमेंट से, जिन्होंने स्टेट में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए अमा हॉस्पिटल स्कीम को अप्रूवल दे दी है। और इसके थ्रू वो टारगेट कर रहे हैं कि उड़ीसा के हर एक डिस्ट्रिक्ट में सफिशियंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज को बनाया जाए। दोस्तों स्कीम अगले 5 सालों तक वैलिड रहने वाली है, 2030 से 2028 तक।
टोटल 3,388.73 करोड़ रुपीज़ के फंड्स इसके लिए अनुमान किए गए हैं, जो टाइम टू टाइम रिलीज होते रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर पंचायत लेवल तक जितने भी पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, सबको फेस मैनर में इंप्रूव किया जाएगा। बेटर पेशेंट वेटिंग एरिया, हाइजीनिक टॉयलेट फैसिलिटीज, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड्स, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर इंप्रूवमेंट को लेकर अभी कुछ प्लान सामने रखे गए हैं। और क्योंकि अभी ये काफ़ी बड़ी स्कीम है, तो जैसे जैसे इसके ऊपर काम होगा और सभी डिटेल सामने आती जाएंगी। बढ़ेंगे दोस्तों अगले अपडेट की तरफ। चू निकल कर आई है शिलोंग से, जहाँ पर दोस्तों पार्किंग प्रॉब्लम्स को रेड्यूस करने के लिए शिलोंग में एक नई मल्टी लेवल कार पार्किंग के ऊपर फाइनली कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया गया है। और शिलोंग के माकल लोकेलिटी में, जहाँ पर लोगों के द्वारा काफी लंबे समय इसकी डिमांड की जा रही थी, वहाँ पर इसको बनाया जाना है। उसे मल्टी लेवल पार्किंग स्पेसिफिकली शिलोंग स्मार्ट सिटी पीरियड के अंतर्गत बनाई जाएगी। और क्योंकि हमारी जो नॉर्थ स्टेट्स है वहाँ पर रोड्स इतने ज्यादा वाइड नहीं है हिली टर्न होने के कारण, तो वहाँ पर इस तरह की जो पार्किंग की प्रॉब्लम है वो आती रहती है। इनफैक्ट शिलोंग तो वैसे भी मेघालय की कैपिटल सिटी है। ओवरऑल 20.3 करोड़ रुपीस के ऊपर स्पेंड किए जाने हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया गया है, तो अगले 2-3 सालों के अंदर अंदर ही इसको बनाकर कंप्लीट कर देंगे। अगली दो अपडेट निकल कर आई है हमारी रेलवे से, जहाँ पर दोस्तों हमारी रेलवे के द्वारा एक ओवर भारत गौरव ट्रेन को स्टार्ट किया जाना है। और इस बार मुंबई की CSMT रेलवे स्टेशन से हमें ये स्टार्ट होती हुई देखने को मिलने वाली है। दोस्तों भारत गौरव ट्रेन के बारे में जैसा कि आप जानती हैं कि हमारी रेलवे ने IRCTC के साथ मिलकर इसको कोलैबोरेशन में स्टार्ट किया है, ताकि हमारे देश की जो रिच एंड कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रमोट किया जाए और प्रिजर्व भी किया जाए। देखो अपना देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको भी भारत गौरव ट्रेन के थ्रू प्रमोट किया जा रहा है। अभी 17 नवंबर यानी कि कल को ये स्टार्ट हो जाएगी। पुणे, सोलापुर, रेणिगुंता, रमेश्वरम, कन्याकुमारी, मदुरई, कोचुवेली, इन सब स्टेशन से होती हुई अगेन वापस ये 25 नवंबर को CSMT रेलवे स्टेशन में पहुंचेगी, जहां पर देश के अलग अलग सिटीज में लोग विजिट कर पाएंगे। इकोनॉमी, कंफर्ट एंड डीलक्स, इस तीन तरह की सर्विसेज इस ट्रेन में ऑफर की जाने वाली हमारी रेलवे के द्वारा। और अगर आपके पास अंधा पैसा है तो आप भी इसमें जा सकते हैं। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आई है यूपी गवर्नमेंट से, जिन्होंने डिसाइड किया है कि पैसेंजर एंड कार्गो मूवमेंट को लेकर वो उनकी स्टेट में जो रिवर्स का नेटवर्क है उसको बड़े स्केल पर यूटिलाइज करेंगे। और अभी वो टारगेट कर रहे हैं कि पैसेंजर एंड कार्गो मूवमेंट में अभी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको और कम किया जाए। तो सो यूपी अभी एक ऐसी स्टेट है जहां पर बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं। अभी गंगा, यमुना, सरयू, बेतवा, चंबल, ये तो कुछ ऐसे रिवर्स हैं इनफैक्ट जिनको टेस्ट भी किया जा चुका है। यहां पर पैसेंजर और जो कार्गो मूवमेंट है वो की जा चुकी है। अभी इन्हीं को ही बेहतर ढंग से यूटिलाइज किया जाएगा, ताकि जो पैसेंजर मूवमेंट एंड कार्गो मूवमेंट है वो बड़े स्केल पर हो पाए। इनफैक्ट नेशनल वाटरवे 1 के अंतर्गत वाराणसी में अभी एक जो इनलैंड वाटरवे टर्मिनल है वो बनकर तैयार हो चुका है, जो ऑपरेशनल भी है। और इसी तरह से आगे इस काम को बढ़ाने के लिए यूपी के और एरियाज में यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो उनके वाटरवेज हैं उनको बड़े स्केल पर यूटिलाइज किया जाएगा। और स्पेसिफिकली इसके लिए यूपी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी का फॉर्मेशन भी किया जाना है, जिसकी प्रक्रिया उन्होंने अभी स्टार्ट कर दी है। तो देखते हैं कैसे यूपी गवर्नमेंट उनके इस प्लान के साथ में आगे जा पाती है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपके वीडियो को देखने के लिए।